हे एवरीबॉडी, आपने मेरे पिछले व्लॉग पे इतना ज्यादा प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितने लोगों ने देखा? पूरे 41। इससे तो ज्यादा लोग मेरे बर्थडे पे स्टोरी देख लेते हैं। सो गाइस, चलो पिछले व्लॉग की तरह मैं आपको मेरे रूम का बोयना दे देता हूँ। सो ये मेरा स्टडी टेबल है जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाया था, पर इसके इतने अच्छे नसीब कहाँ जो ये मेरे साथ पढ़ सके। सो गाइस, लेट मी कन्फेस दिस, तो मेरी गर्लफ्रेंड है जो बहुत गोरी है और मेरी हर बात मानती है। मिलना चाहोगे? ना बोलोगे तो भी मिलाऊंगा। प्रेजेंटिंग एलेक्सा। धीरे बोल भाई, कान फाड़ेगा क्या? गजब बेइज्जती है। सो गाइस, शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। म्यूजिक। यारो मेरे मरने के बाद आंसू मत बहाना, यारो मेरे मरने के बाद आंसू मत बहाना, ज्यादा याद आऊं तो सीधा ऊपर ही चले आना। थैंक यू। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड जोक। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। कभी कभी मेरे दिल में एक सवाल आता है कि why the hell even I'm doing this? ये सब मैं कर क्यों रहा हूं? चलो, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ये सब होने के बाद ही मिलता हूँ। सो गाइज, मेरा रूम रेडी हो चुका है, चलो आपको दिखाता हूँ। मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स। तो गाइस, चलो अब सबके रिएक्शंस लेते हैं। ये क्या बनाया है? इसे क्या किया है ये सब? ये भगवान, कैसा लग रहा है? चलो मस्त है। बहुत बढ़िया। अरे क्या मस्त तो किया, ये सब क्या है? ओ मौसी, ये घर का न्यूज़पेपर बना दिया इन्होंने। अरे यार, कैसा लग रहा है? न्यूज़पेपर। ये वीडियो के लिए देखो, टीवी पे भी देख रहे हो? हम तो कब के पागल हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? वाह यूश, क्या कर दिया तूने? वाह, पूरा भर दिया ये तो रूम तूने। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा आयुष। अच्छा मम्मी, बताओ अगर आपको रूम बेचना हो तो कितने में बिकेगा? एक भी रुपए में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि ये तेरा रूम है ना।
सो गाइस अभी मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ जिसमें मैं जोक्स लिख के नहीं लाया हूँ बट मैं यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस पढ़ूंगा और उसमें से जोक्स बनाने की कोशिश करूंगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? सो लेट्स ट्राई। सो गाइस कल रात को मैंने सपना देखा कि टूटे हुए खिलौने का श्रृंगार किस लिए, हाँ मतलब किस लिए, तो मैं आधी रात को जब बाथरूम करने के लिए गया तो मेरे बाथरूम में एक 8 साल की लड़की अपने खिलौने को कपड़े पहना रही थी और वो खिलौने टूटी कार थी। और सवाल ये नहीं कि वो टूटी हुई कार को कपड़े क्यों पहना रही, पर सवाल ये है कि वो आधी रात को मेरे बाथरूम में कर क्या रही है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तू मेरे बाथरूम में कर क्या रही हो, तो उसने जवाब दिया कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद हुआ तो शुरू की गांजे की तस्करी। ओहो हो 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 हो, तुम भारतीय हो क्या? एंड शी वॉज लाइक, तेरे को मेरे साथ मेरा पति दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो मैं भारतीय कैसे हो सकती है। मैंने पूछा फिर तुम हो कौन, तो उसने मुझे जवाब दिया कि 17 घंटे पूछताछ के बाद मुच्छड़ पान वाला गिरफ्तार। अच्छा तो तुम मुच्छड़ पान वाले की बेटी हो? अबे नहीं रे चोमू, मैं उसके पास सुट्टा फूका करती थी। हाँ तुमको शर्म नहीं आती? मैं कपड़े पहन के फूका करती थी। तो फिर मैंने पूछा क्या तुम हो कौन, एंड उतने में शी स्टार्टेड शाउटिंग, आयुष ओए आयुष, अरे ओए आयुष, एंड उतने में से मेरे ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया और मैं उड़ गया। आई वॉज लाइक, अच्छा मम्मी आप थे क्या वो 8 साल की लड़की? अबे दिमाग मत खराब कर, ये ले पैसा और चुपचाप नीचे जाके दूध लेके आ, समझा? तो अगर आपको मेरी वीडियो परफॉर्मेंस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर देना, और मैं पिछली बार लाइक्स की भीख मांगने के चक्कर में इंस्टाग्राम की भीख मांगना भूल गया, तो वहाँ पे भी फॉलो जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।